तो हम पहले F5 D1 समझ लेते हैं। बेसिकली क्या है, D1 में मैं क्या सिखाता हूँ, वाई वी यूज F5 डिवाइस। क्लियर है ना? क्वेश्चन क्या रहता है आप लोगों का, वाई वी यूज F5 डिवाइस। क्लियर है ना? तो हम F5 के डिवाइस का यूज किस लिए करते हैं, एक प्रोडक्शन नेटवर्क में। और फिर हम बात करेंगे विदाउट F5 डिवाइस, और उसके बाद क्या बात करेंगे, विद F5 डिवाइस। क्लियर है? दोनों में बात करने वाले, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है ना? तो F5 एक हार्डवेयर है और जो लोड बैलेंसर है, ठीक है, F5, या आप बोल सकते हो जो LTM, अगर आप पढ़ने जा रहे हो ये वाला LTM, F5 के अंदर जो आप LTM पढ़ने आ रहे हो, ये हार्डवेयर डिवाइस है। और LTM क्या बोलते हैं इसको, ये मॉड्यूल है। क्लियर है? तो आप मॉड्यूल पे काम करने वाले हो सारा का सारा, हार्डवेयर और मॉड्यूल पे। तो पहले मैं विदाउट F5 डिवाइस वाला एक डायग्राम बना लेता हूँ। चलो देखिए, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, ये मेरा एक क्लाइंट है जो आउटसाइडेड है, जो बाहर से रिक्वेस्ट भेजता है। ये कौन है, मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP को मैंने किससे कनेक्ट कर रखा, आपने एक राउटर से। राउटर किससे कनेक्टेड है, मेरे एक स्विच से। और स्विच पे मैंने कनेक्ट कर रखा है अपना एक DNS सर्वर। क्या लगा रखा है, अपना एक DNS सर्वर। और स्विच से मेरे कनेक्टेड है मल्टीपल सर्वर। यह है सर्वर 1, सर्वर 2, यहाँ पे कौन कनेक्टेड है, सर्वर 3। क्लियर रहेगा इतना? ये वाला इंटरफेस क्या कहलाएगा, मेरा इंटरनल। ये वाला कौन सा है, मेरा एक्सटर्नल। या आप ये भी कह सकते हो ये मेरा लैन साइड है, और ये कौन सा है, मेरा वैन साइड। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लाइंट साइड से एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट भेजूंगा। जैसे मेरे पास DNS सर्वर में मैंने एक वेबसाइट होस्ट करके, इन 3 सर्वर पे, जैसे मैंने लिख रखा है gentech.com, और इसकी IP है 11.11.11.11। क्लियर है? और ये कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, 443। यानी 443 का मतलब HTTPS, 443 का मतलब HTTPS की सर्विस। क्लियर है इतना? चलो अब जब ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी, क्लाइंट क्या कह रहा है कि मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ISP पे रिसीव हुई। ISP ने किसको दी, राउटर को दी। अब राउटर को देने के लिए राउटर पे हमें क्या नीड होगी, पहले एक पब्लिक IP की। तो सारी रिक्वेस्ट किस पे आ रही है, मेरी पब्लिक हेलो IP पे। हेलो यस सर, कुछ वॉइस आ रही है एक्चुअली। शायद मेरे रहमान जी। हाँ ठीक है, क्लियर है, मेरी तरफ से नहीं आ जी रही। चलिए, क्लाइंट की रिक्वेस्ट ISP पे आई, ISP ने राउटर के एक्सटर्नल इंटरफेस पे दी, लेकिन वो किस किस IP पे आ रही है, पहले रिक्वेस्ट पब्लिक IP पे। अब राउटर ने इस रिक्वेस्ट को कहाँ पे फॉरवर्ड करा, इंटरनल। और इंटरनल जाते वक्त ये किस पे गई, DNS सर्वर पे। अब DNS सर्वर पे नेटवर्क इंजीनियर ने क्या मैप कर रखा है कि मेरे पास एक सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है। तो ये रिक्वेस्ट सर्वर 1 को मिली, सर्वर 2 को मिली, सर्वर 3 को मिली। अब जो सर्वर अवेलेबल होगा उस टाइम, जो सर्वर अवेलेबल होगा, वो सर्वर क्या कर देगा, उसका रिप्लाई। स्विच पे गई ISP पे, और ISP से पे किस पे गई, क्लाइंट पे। अभी रिक्वेस्ट जा रही है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि सर्वर 2 पे सर्विस अनअवेलेबल हो गई। सर्वर 2 पे क्या हो गई हमारी सर्विस, अनअवेलेबल हो गई है। चलिए अब दोबारा से क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, ISP में मिली। ISP ने किसको फॉरवर्ड करी, राउटर को। राउटर ने किसको फॉरवर्ड करी, स्विच को। स्विच ने किसको दिया, DNS सर्वर को। अब DNS सर्वर के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है जिससे वो आपके सर्वर पे रनिंग सर्विस की डिटेल ले सके कि वो अवेलेबल है या अनअवेलेबल है। तो सर्वर 2 ने सभी को ये रिक्वेस्ट क्या कर दी, अपने फॉरवर्ड। अब सर्वर 1 और सर्वर 3 वहां पे बिजी थे, और सर्वर 2 ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये जो रिक्वेस्ट थी आपकी, यहां पर आके क्या हो गई है, ड्रॉप।
अब इस केस में क्या होगा, क्लाइंट के पास एक मैसेज आएगा, क्लाइंट के पास एक मैसेज आएगा जो आप लोगों ने देखा होगा आपके ब्राउजर में आता है, दिस साइट कांट बी रीचेबल। ये मैसेज आया कभी आप लोगों को ब्राउजर पे, दिस साइट कांट बी रीचेबल, बताए? ये मैसेज आता है क्योंकि डीएनएस सर्वर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता अगर सर्विस डाउन हो जाए तो। क्लियर है? तो पहला इशू हमें मिल चुका है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, डीएनएस सर्वर डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू नो सर्विस सर्विसेस डिटेल्स व्हेनेवर ऑन सर्वर सर्विस गोस डाउन। डीएनएस सर्वर सेंड रिक्वेस्ट ऑल सर्वर्स, तो वो क्या करता है आपका जो डीएनएस सर्वर है, जब भी रिक्वेस्ट आएगी वो सभी सर्वर्स पे भेज देता है। एक और मैकेनिज्म है, सपोज कर लो अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि जो सर्वर टू था वो डाउन ही हो गया है, सर्वर टू क्या हो गया आपका डाउन हो गया है, लैन केबल ही अटैच नहीं है, इस केस में क्या होगा भाई, क्लाइंट अगेन रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट आईएसपी को मिलेगी, आईएसपी अपने राउटर को देगा, राउटर किसको देगा इंटरनल जाएगा, इंटरनल से आपके डीएनएस सर्वर, डीएनएस सर्वर पे कितने सर्वर मैप है, सर्वर वन सर्वर टू और सर्वर थ्री, ये रिक्वेस्ट मैसेज सभी सर्वर को दोबारा मिलेगा। सर्वर वन और सर्वर थ्री अगर दोबारा से यहाँ पर क्या है आपके बिजी, तो सर्वर टू को मिलनी है दोबारा से रिक्वेस्ट, लेकिन सर्वर टू क्या हो रखा है यहाँ पे अभिषेक जी डाउन। इस केस में भी डीएनएस सर्वर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि उसे पता हो कि मेरे लैंड साइड में जो सर्वर्स है वो अवेलेबल है या अनअवेलेबल है। क्लियर है? तो डीएनएस सर्वर के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो आपकी सर्विस की रीचेबिलिटी चेक कर सके या आपकी डिवाइस की रीचेबिलिटी। क्लियर है अंकित जी, अभिषेक जी? क्लियर है इतना? यस सर, यस सर। चलो अब दूसरा इशू भी आता है, जो मेन इशू है वो बता देता हूं मैं आपको, दूसरा इशू विदाउट F5 डिवाइस वाला। दोबारा से हमारे पास एक क्लाइंट रहेगा आउटसाइड, ये किस पे हिट करेगा आईएसपी से, और आईएसपी किसको देगा अपना हैंडओवर, राउटर, राउटर किससे कनेक्ट होगा आपके स्विच से, स्विच पे कौन कौन कनेक्टेड है, सर्वर वन सर्वर टू सर्वर थ्री, यहां पर क्या जाएगा आपका डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर से हमने कितने सर्वर मैप कर रखे, सर्वर वन सर्वर टू सर्वर थ्री, और मेरी एक पब्लिक आईपी राउटर पे चल रही है, इस पब्लिक आईपी में मैंने क्या लिखा है, एक वेबसाइट है gentech.com और उसकी पब्लिक आईपी 11.11.11 और कौन सी सर्विस पे चल रही है ये 443 यानी https की। क्लियर है इतना? चलो अब देखो जो ये क्लाइंट है ना आउटसाइड, ये जो क्लाइंट दिखाया मैंने आउटसाइड, ये जो है ना अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन से क्या कर रहा है आपकी वेबसाइट को एक्सेसिबल कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी मोबाइल डेटा से आप एक्सेस करते हो, सपोज कर लो आप जियो यूजर हो, तो जियो सिम के जितने भी यूजर है वो कौन सा एड्रेस यूज कर रहे हैं, IPv6 का, और मैंने जो अपनी वेबसाइट होस्ट कर रखी है वो कौन सा एड्रेस पे कर रखी है, IPv4 पे। तो अब क्या होगा, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो किस पे मिलेगी, आईएसपी से, आईएसपी फॉरवर्ड तो कर देगा क्योंकि आईएसपी में मैपिंग होगी, जैसे ही राउटर के पास आएगी राउटर क्या करेगा, ओके एक्सेप्ट करेगा, पब्लिक आईपी में हिट आया और किसको दे देगा अपने इंटरनल डीएनएस सर्वर को। अब डीएनएस सर्वर जो है ना क्या करेगा, इस क्वेरी को नीचे सर्वर वन सर्वर टू और सर्वर थ्री तक पहुंचा देगा। लेकिन अब इशू क्या आएगा, कोई भी सर्वर रिप्लाई नहीं कर सकता है। कोई बता सकता है इशू क्या होगा, रिप्लाई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो इसने क्वेरी भेजी है वो किसके साथ भेजी है, अपने IPv6 के साथ, और जो सर्वर्स हैं वो किसके साथ अवेलेबल है, अपने IPv4 एड्रेस के साथ।
तो आपके पास दूसरा इशू क्या आता है, डीएनएस सर्वर डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू कन्वर्ट IPv6 टू IPv4। किसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता वो आपके IPv6 से IPv4 में, क्लियर है। डीएनएस सर्वर रिक्वायर्ड IPv6 एड्रेस ऑल्सो, उसको क्या बताने पड़ेंगे हमें, और IPv6 एड्रेस हमें इसी वेबसाइट को किसके साथ मैप करना पड़ेगा, अब दोबारा से एक और बार, IPv6 एड्रेस के साथ। ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट हर बार अपने लैपटॉप पीसी से ही एक्सेस करे या सर्वर से, कई बार क्या हो सकता है मेरा जो क्लाइंट है आउटसाइड वो किससे एक्सेस कर सकता है, अपने मोबाइल डेटा से। तो मोबाइल डेटा से जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो कौन सी होगी आपकी, IPv6 की, क्लियर है इतना बताएं आप लोग। तो डीएनएस सर्वर के पास ये वाला मैकेनिज्म नहीं होता कि वो किसमें कन्वर्ट कर दे, IPv6 से IPv4। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको Layer 3 हेडर चेंज करना पड़ेगा, कौन सा हेडर, Layer 3। Layer 3 का मतलब होता है नेटवर्क लेयर पे जो हेडर लगता है, IP हेडर, क्लियर है इतना बताएं अभिषेक जी, अंकित जी, विकास जी। दूसरा इशू क्लियर है, IPv6 से IPv4 में नहीं कर सकता। अब तीसरा इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आप नेटवर्क में देखते हो, क्लियर है। तो दोबारा से हमारा एक क्लाइंट बनाएंगे आउटसाइड, ये इशू बता रहा हूं मैं आपको इसलिए कि FI डिवाइस रिक्वायर्ड क्यों करा गया हमारे पास, ISP राउटर पे कनेक्टेड है आपका स्विच, स्विच से कनेक्टेड है Server 1 Server 2 Server 3 और यहां पे क्या लगा रखा हमने, एक DNS सर्वर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, DNS सर्वर पे मैंने एक मैप कर रखा है Server 1 Server 2 Server 3, लेकिन 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 इससे पहले आप मेरी एक डिटेल देखो, जो Server 1 है इस पे जो रैम है, रैम क्लियर है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हो आप लोग, तो रैम जो है Server 1 की, वो रैम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसकी रैम है 8 GB, कितनी रैम है 8 GB, इसकी जो हार्ड डिस्क है वो है 500 GB, कितनी है 500 GB। Server 2 की जो रैम है वो है 16 GB और 1 TB की इसके पास स्टोरेज है। Server 3 की जो रैम है वो है 4 GB, क्लियर है, और इसकी स्टोरेज कितनी है 250 GB, क्लियर है इतना। Server 1 के पास है i3 प्रोसेसर, Server 2 के पास है i7 और Server 3 के पास है i5, क्लियर है इतना आप लोगों को बताएं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक पब्लिक IP ले रखी है, उस पर मैंने कौन सी वेबसाइट होस्ट करके, gentech.com 11.11.11.11 और सर्विस कौन सी है 443। अब देखो जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, अब ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम पे एक ही क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं अंकित जी, विकास जी, मल्टीपल क्लाइंट। अब ये सारे के सारे क्लाइंट क्या कर रहे हैं, सारे के सारे क्लाइंट क्या कर रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वेबसाइट एक्सेस करने के लिए। तो ISP पे रिसीव हुई, ISP ने सभी रिक्वेस्ट को किसको दे दिया, राउटर के एक्सटर्नल इंटरफेस को, राउटर ने इन सभी रिक्वेस्ट को कहां भेजा, इंटरनल पे। सर यहां पे जैसे ही DNS सर्वर पे आई, DNS सर्वर ने क्या बोला, इन सभी रिक्वेस्ट को किसमें भेज दिया, Server 1 Server 2 Server 3 सभी को डिवाइड करके भेज दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, सभी को रिक्वेस्ट मिल रही है, अब सबसे पहले कौन सा रिप्लाई कर सकता है, सबसे पहले सर्वर, कौन सा सर्वर रिप्लाई करेगा इन रिक्वेस्ट के लिए, Server 2, क्योंकि Server 2 के पास जो रैम है वो कितनी है 16 GB, हार्ड डिस्क कितनी है 1 TB और प्रोसेसर क्या है उसके पास i7। आप देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, Server 2 की, तो Server 2 ने क्या कर दिया इसका रिप्लाई करा, राउटर पे गया, ISP पे गया और सभी क्लाइंट्स को इसने रिप्लाई कर दिया, 1 by 1 सभी क्लाइंट्स के बाद क्या भेज दी, जो रिक्वेस्ट करी थी उसका रिप्लाई। लेकिन 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 यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि DNS सर्वर जो है ना, DNS सर्वर पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे आपका ट्रैफिक क्या हो पाए, लोड बैलेंसिंग। DNS सर्वर जो है ना सभी रिक्वेस्ट को, बंच ऑफ रिक्वेस्ट को सभी सर्वर पे फॉरवर्ड कर देता है, किस पे कर देता है,
सभी सर्वर्स पे दे देता है। अगर 10 रिक्वेस्ट आई है तो सर्वर 1 भी रिसीव कर रहा है, सर्वर 2 भी और सर्वर 3 भी। अगर बाय चांस सर्वर 2 बिजी है 10 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में, सर्वर 1 बिजी है सर्वर 2 के साथ इन सभी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में, सर्वर 3 क्या बोल रहा है, भाई मेरे पास तो 4GB रैम है डियर ब्रदर, और मेरे पास जो हार्ड ड्राइव है वो कितनी है 250GB, मेरा प्रोसेसर है i5, प्रोसेसर हाई है लेकिन मेरे पास जो रैम है वो कितनी है 4GB। इस केस में दोबारा से क्या हो सकता है कि कुछ का तो मैं रिप्लाई कर दूं और कुछ क्या कर दूं यहाँ पे ड्रॉप। तो दोबारा से क्लाइंट के पास कौन सा मैसेज आ सकता है, दिस साइड कांट बी रीच। तो DNS सर्वर आपका कभी भी लोड बैलेंसिंग प्रोसेस नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है विकास जी, लोड बैलेंसिंग। तीसरा इशू क्लियर है ना ये वाला, एक एक इशू मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से इशू आए थे जिसलिए लोड बैलेंसर यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड इशू क्या होता है, DNS सर्वर डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू परफॉर्म लोड बैलेंसिंग। क्लियर है, DNS सर्वर फॉरवर्ड ऑल रिक्वेस्ट इनसाइड LAN सर्वर रैंडमली। क्लियर है, क्यों कैसे भेज देता है रैंडमली सभी सर्वर पे, जिन सर्वर्स की मैपिंग होगी उन सर्वर पे सभी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी। क्लियर है, इतना बताएं आप लोग, तीन इशू क्लियर है। चलिए, आप में से कितने लोगों ने गवर्नमेंट वेबसाइट एक्सेस करी अपने लैपटॉप पे, तो ऐसा है किसी ने गवर्नमेंट वेबसाइट कोई भी कंट्रीज की गवर्नमेंट वेबसाइट एक्सेस करते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब उसी पे एक हेल्प करेंगे हम। देखो यहाँ पे आईएसपी को मैंने कनेक्ट करा राउटर से, राउटर को किससे कनेक्ट करा आपने स्विच से, और स्विच से मैंने क्या कनेक्ट कर दिया यहाँ पे DNS सर्वर, सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3। क्लियर रहेगा इतना आप लोगों को बताएं। अब यहाँ पे मैंने एक पब्लिक आईपी परचेज करी थी भाई, मैंने आपको बताया था जिसपे मैंने एक वेबसाइट होस्ट करके gentech.com वाली। क्लियर है, 11.11.11.11 और कौन सी सर्विस है उसके पास https, कौन सी वेबसाइट है वेब सर्विस कौन सी है https। अब मैंने क्या बोल रखा है, मैंने यहाँ पे क्या है, ये क्लाइंट जो आउटसाइड है ये इसके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जैसे मेरे पास कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकती है, क्रोम हो सकता है, ठीक है, फायरफॉक्स हो सकता है, ठीक है, और मेरे पास क्या हो सकता है ब्रेव ब्राउजर हो सकता है, सफारी हो सकता है ब्राउजर, ठीक है, और मेरे पास क्या हो सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, ये सारे क्या होते हैं ब्राउजर्स होती है एप्लीकेशंस, इनसे क्या करते हो आप इंटरनेट सर्विस को एक्सेसिबल करते हो। अब मैंने क्या बोल रखा है, जो मेरी वेबसाइट है gentech.com वाली, कौन सी वाली gentech.com वाली, ये सभी ब्राउजर पे खुलती है, लेकिन मुझे फ्यूचर में क्या करना है कि मुझे फ्यूचर में सिर्फ अपनी वेबसाइट को किस पे एक्सेसिबल करना है, क्रोम पे। कई बार क्या होता है कि यूजर कौन सा ब्राउजर यूज कर सकता है, कौन सा ब्राउजर है ये वाला टोर ब्राउजर, तो मुझे इस पे क्या करना है, इसको डिसअलाउड, क्या करना है मुझे इस पे डिसअलाउड। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा टास्क क्या था, मुझे लेयर 7 का इंस्पेक्शन करना है। किसका इंस्पेक्शन करना है भाई, लेयर 7। लेयर 7 का मतलब होता है एप्लीकेशन, याद रखना है आपको, लेयर 7 का मतलब क्या होता है एप्लीकेशन। देखो अब जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेंगे मल्टीपल रिक्वेस्ट किसी भी ब्राउजर से, तो आईएसपी पे आएगी, आईएसपी राउटर को देगा, राउटर स्विच को देगा, स्विच डीएनएस को देगा, डीएनएस सर्वर फिर वही प्रोसेस करेगा सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3। अब डीएनएस सर्वर के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता, वो किस पे इंस्पेक्शन कर ले आपके, लेयर 7 पे। क्लियर रहेगा इतना बताएं, क्योंकि डीएनएस सर्वर क्या चेक करता है, सिर्फ आपकी सर्वर्स की मैपिंग, सर्वर्स की मैपिंग चेक करके वो क्या कर देता है अपने ट्रैफिक को लैन साइड में अवेलेबल सर्वर्स को हैंड ओवर। अब जब लैन सर्वर को मिलता है, अब सर्वर क्या भेज देते हैं उनका रिप्लाई, और क्लाइंट पे ये रिप्लाई क्या हो जाता है रिसीव। अगर फ्यूचर में आप करना चाहते हो लेयर 7 इंस्पेक्शन,
तो डीएनएस सर्वर के पास ये वाला क्या नहीं होता मैकेनिज्म, क्लियर रहेगा? फोर्थ इशू बताया अंकित जी, अभिषेक जी देखा है ना? यस हाँ जी। भी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है वो किस पे ओपन होती है? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे होती है। ऐसा क्यों होता है? आप उसे ओपेरा पे खोल के देखना, नहीं खुलती ना। माइक्रोसॉफ्ट एज पे खोलना, सफारी पे खोलना, ब्रेव, फायरफॉक्स, क्रोम, किसी पे भी खोलना, ओपन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी रिक्वेस्ट में किसका इंस्पेक्शन करते हैं? लेयर 7 का एप्लीकेशन देखते हैं, भाई आप कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। और जैसे ही उन्हें पता चलता है आप क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी यूज कर रहे हो, तो आपके ट्रैफिक को क्या करवा देते हैं वहां पे? डिसअलाउ। क्लियर है? तो डीएनएस सर्वर लेयर 7 इंस्पेक्शन कर सकता है आपका? नहीं। तो अभी हमेशा याद रखना है, डीएनएस सर्वर डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू डू लेयर 7 इंस्पेक्शन टू प्रोवाइड फुल प्रॉक्सी डिजाइन। क्या प्रोवाइड नहीं करता भाई आपको? कि प्रोवाइड कर दे फुल प्रॉक्सी डिजाइन। क्लियर रहेगा इतना? और ये फोर्थ इशू था। इसके बाद एक और इशू आता है जो नेटवर्क में रनिंग, जो रनिंग नेटवर्क होता है प्रोडक्शन, उसमें आपको देखने को मिलता है। कौन सा वाला है? आप लोगों को पता है, देखिए ये क्लाइंट बनाऊंगा आउटसाइड। क्लाइंट किससे कनेक्ट कर दिया मैंने? आईएसपी। आईएसपी क्या है? मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये राउटर है, इससे मैंने क्या कनेक्ट करा? अपना एक स्विच। और स्विच को कनेक्ट किससे कर दिया मैंने? डीएनएस सर्वर। सर्वर 1, सर्वर 2, और यहां पे क्या कनेक्ट कर दिया? सर्वर 3। अब आप में से कितने लोगों को ये पता है कि पब्लिक आईपी भी होती है और प्राइवेट आईपी भी होती है? आप बताएं मुझे, कितने लोगों को पता है पब्लिक आईपी भी होती है और प्राइवेट भी होती है? यस पता है ना आप लोगों को? अच्छा मुझे बताओ, पब्लिक आईपी क्या करती है? इंटरनेट सर्विस एक्सेसिबल डायरेक्ट। प्राइवेट आईपी कर सकती है? नहीं। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी करा होगा, कि भाई एक सिंगल पब्लिक आईपी पे कितने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो आप? 65,000। क्लियर है? अब एक बार बताओ, 65,000 कनेक्शन भेजो, बढ़िया है, कोई इशू नहीं आ रहा, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे पास जो दूसरा इशू आता है कि जब भी एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा ना, क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा, तो इसका एक डेटा फ्लो दिखाना है मेरे को। तो क्लाइंट की आईपी है 1.1.1.1 और सर्वर 1 की आईपी है 20.10, 20.20, 20.30। क्लियर है? और इस इंटरनल इंटरफेस की आईपी है 20.1 और इस डीएनएस सर्वर पे आईपी दे रखी है मैंने, सपोज कर लो 20.5। क्लियर है भाई? सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, और मैं नेटवर्क कौन सा यूज कर रहा हूँ 20 की? आपको याद रखना है 192.168, 20.0 स्लैश वैल्यू कौन सी यूज कर रहा हूँ? 24 की। क्लियर है वाला नेटवर्क आपको लैन का बना दिया हमने। और एक मेरा पब्लिक आईपी परचेज कर लिया भाई 11.11.11.11, 443 है, और इसी आईपी में मैंने कौन सी वेबसाइट होस्ट करवा रखी है? gentech.com। क्लियर है भाई? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये मेरा एक्सटर्नल इंटरफेस है। अब जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, क्या भेजेगा? जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा राउटर तक आएगी, तो लेयर 3 की रिक्वेस्ट के अंदर सोर्स आईपी किसकी होगी? 1.1.1.1। डेस्टिनेशन क्या होगी? 11.11.11.11। ये लेयर 3 इंफॉर्मेशन होगी, राउटर को रिसीव होगी। राउटर देखेगा, अच्छा डेस्टिनेशन तो भाई कौन सी पब्लिक आईपी है? मेरी है। इसने किसको हैंड ओवर कर देना है? इंटरनल। जैसे ही ट्रैफिक इंटरनल जाएगा लेयर 3, सोर्स आईपी क्या रखेगा? 1.1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या कर देगा? अपने दे देगा 20.5 वाली, दे दिया। अब जब ये डीएनएस सर्वर को मिलेगा तो मैपिंग देखेगा, 2 मैपिंग 3 मैपिंग है, और सभी को भेज देगा। अब इन सभी सर्वर्स पे जो क्लाइंट की एक्चुअल आईपी है वो आ गई इंटरनल, यस और नो? जब ये रिप्लाई करेंगे दोबारा से राउटर पे आएगा। अब राउटर पे मुझे एक टास्क करना पड़ेगा, राउटर पे मुझे भेजते टाइम भी टास्क करना है और रिप्लाई करते टाइम भी टास्क करना है। कौन सा वाला?
कौन सा टास्क करना पड़ेगा, नेट ट्रांसलेशन। अब जब नेट ट्रांसलेशन करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन है, आप चेंज कर सकते हो सोर्स को भी और डेस्टिनेशन को भी। बस प्रॉब्लम क्या आने वाली है आपको ये देख लो, इश्यू नंबर जो आपका आएगा फिफ्थ नंबर होगा आई थिंक, जो पब्लिक आईपी होगी, कौन सी आईपी, पब्लिक आईपी, वो कैसे रिक्वायर्ड होगी, मैक्सिमम, कैसे रिक्वायर्ड होगी, मैक्सिमम, पब्लिक आईपी कैसे रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी आपको, मैक्सिमम। अब इस केस में जो राउटर है ये सभी प्रोसेस कर रहा है, डेटा जो डेटा ट्रैफिक है प्रोसेसिंग कर रहा है, राउटिंग प्रोसेस कर रहा है, पैकेट डिलीवर कर रहा है एक नोड से दूसरे नोड पे, प्लस नेट ट्रांसलेशन कर रहा है। कुछ टाइम के बाद आपके राउटर पे क्या होने लगेगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन आपके राउटर का क्या हो जाएगा, हाई, क्या हो जाएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई। सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई एक और केस में हो सकता है जब आपकी सिंगल पब्लिक आईपी पे कितनी रिक्वेस्ट आ जाए, 65,000, कितनी रिक्वेस्ट आ जाए, 65,000। तो डीएनएस सर्वर के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे वो अपने क्या चेंज कर सके, लेयर थ्री पे जाके नेट ट्रांसलेशन करा सके, किस पे ट्रांसलेशन करा सके, लेयर थ्री पे नेट ट्रांसलेशन। या आप एक और टास्क बोल सकते हो, ये एक और टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता आपका, लेयर फोर का ट्रांसलेशन, कौन सा वाला, लेयर फोर। लेयर फोर पे क्या होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, भाई क्लाइंट को लग रहा है मैं जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो किसको भेज रहा हूँ, 80 नंबर पे, और जब वो इंटरनल जाए भाई वो किस पे मिले मुझे, 443 पे। तो आप ये वाली ट्रांसलेशन का भी टास्क किस पे नहीं कर सकते, डीएनएस सर्वर पे, क्लियर है। इसे बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, क्या बोलते हैं अभिषेक जी, अंकित जी, विकास जी, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, क्लियर है। कई बार आपने देखा होगा, आपको बता देता हूं मैं, जब भी आप एंटर करते हो facebook.com, एक्चुअली ये facebook.com नहीं है, जब आपका ट्रैफिक अंदर जाता है ना फेसबुक सर्वर्स के पास तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, fb.org में, इसमें जाता है fb.org में, क्लियर है। तो यहाँ पे एक रीराइट का फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है, रीराइट, .com से किसमें कन्वर्ट करवा देते हैं वो आप लोगों को, .org में, क्लियर है। इतना बताएं आप लोग, इश्यूज क्लियर है, बताएं आप, yes, yes. अब FI डिवाइस लगाना जरूरी पड़ रहा है या नहीं आप लोग बताएं। तो भाई देखो, अब FI डिवाइस के साथ हम एक एक इशू को रिजॉल्व करेंगे। तो मेरा ये लगा लेते हैं हम यहाँ पे क्लाइंट, और बीच में कौन था यहाँ पे हमारे ISP, ISP को किससे कनेक्ट करा मैंने, राउटर। अब देखो, मैं राउटर भी लगा सकता हूँ या डायरेक्ट मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक FI भी लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, FI। हेलो, यस, FI मतलब राउटिंग भी परफॉर्म कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल, राउटिंग भी परफॉर्म कर सकता है, नेट ट्रांसलेशन भी कर सकता है, ACL का भी प्रोसेस कर सकता है, यानी ट्रैफिक फिल्टरिंग भी कर सकते हो आप, परमिशन भी दे सकते हो, सब कुछ कर सकता है, क्लियर है। तो मैं FI लगा रहा हूँ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, और FI को किससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, अपने स्विच से, और स्विच पे क्या कनेक्ट कर दे रहा हूँ, सर्वर वन, सर्वर टू, यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, सर्वर नंबर थ्री। तो भाई देखो, आपको पहले क्लियर रखना पड़ेगा कि ये कौन सा इंटरफेस बोला जाता है हमारा, इंटरनल, ये वाला कौन सा बोला जाता है, एक्सटर्नल। FI डिवाइस पे दो इंटरफेस और होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट, कौन सा होता है, मैनेजमेंट, और एक और होता है जिसकी मैंने बात करी थी, उसे बोलते हैं फेल ओवर, कौन सा होता है, फेल ओवर। तो अभी तो मेरे पास सिंगल FI डिवाइस है, फेल ओवर की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैंने अपने मैनेजमेंट पोर्ट से, किससे कह रहा हूं मैं, अपने मैनेजमेंट पोर्ट से एक यूजर कनेक्ट कर रखा है जो इस डिवाइस की यूटिलाइजेशन को देखता रहता है, ये किससे कनेक्टेड है, मैनेजमेंट पोर्ट से। अच्छा, आपने ये पढ़ा है राउटर, राउटर एवरी इंटरफेस अ डिफरेंट नेटवर्क मेंबर, पढ़ा है ये लाइन, राउटर के हर इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क रिक्वायरमेंट होता है, ये सुनो, जैसी आप सेम नेटवर्क डालते हो एक एरर आ जाता है ओवरलैप्स का, कौन सा मैसेज आता है, ओवरलैप्स, डुप्लीकेट आईपी एड्रेस या डुप्लीकेट नेटवर्क एड्रेस फाउंड, इसका मतलब ये होता है, क्लियर है ना। तो ऐसी FI डिवाइस का होता है, FI डिवाइस के हर इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क चाहिए होता है, क्लियर है। यानी मैनेजमेंट के लिए एक अलग नेटवर्क होगा, इंटरनल के लिए एक अलग होगा, एक्सटर्नल के लिए भी क्या होगा अभिषेक जी, एक अलग नेटवर्क होगा, क्लियर रहेगी इतने पॉइंट, बताएं आप लोग। Yes. एक नेटवर्क तीनों इंटरफेस पे कभी रनिंग हो ही नहीं सकता, क्लियर है।
तो भाई मैनेजमेंट के लिए एक नेटवर्क है मेरे पास 192.168.1.0/value is 24, क्लियर है। तो इस यूजर की आईपी है 1.2 और इस इंटरफेस की आईपी क्या दे रखी है 1.245, कितनी दे रखी है 1.245। अब आ जाओ इंटरनल वाले की, इंटरनल में चल रहा है 192.168.20.0/value कितनी है 24, इस इंटरफेस की आईपी क्या है 20.1, सर्वर की क्या है 20.10, 20.20 और 20.30, क्लियर रहेगा इतना। आप बताएं आईपी एड्रेसिंग क्लियर है ना। चलो अब पब्लिक आईपी देनी है, किस लिए, क्योंकि मेरा एक कौन सा इंटरफेस है एक्सटर्नल। जब आप आईएसपी से कनेक्शन लेते हो तो आईएसपी आपको एक आईपी देता है कि भाई अपने इंटरफेस पे डाल देना, यस और नो। तो सपोज करो मैंने नेटवर्क आईपी नेटवर्क ले रखा है 12.0.0/value कितनी ले ली 30, स्लैश वैल्यू कितनी ले ली 30, रिक्वायरमेंट कितनी आईपी की है सिर्फ दो। तो जब दो आईपी की रिक्वायरमेंट होती है कौन सा सबनेट यूज करते हो /30 वाला, क्लियर है, क्लियर है इतना पॉइंट। तो FI डिवाइस पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2। और मैंने आईएसपी से एक पब्लिक आईपी परचेज कर रखी है, कौन सी वाली, एक आईएसपी से पब्लिक आईपी परचेज करके 12.0.0 और क्या आईपी है उसकी 10, कौन सी आईपी है 12.0.0.10। इसी पे मैंने कौन सी सर्विस अलाउ कर रखी है 443 की और कौन सी वेबसाइट होस्ट कर रखी है मैंने अपनी gentech.com, क्लियर रहेगा इतना आप लोगों को बताएं। अब देखो यस यस, ये नेटवर्क आपको बनाना आना चाहिए, आप जब भी प्रैक्टिकल करेंगे अपने पास लैपटॉप पे वर्चुअल मशीन पे तो ऐसे ही कुछ नेटवर्क बनाऊंगा। अब समझो बात को कि जब भी ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता था मेरा पहला इशू क्या आया था, सबसे पहला इशू जो मैंने आपको दिखाया था कि भाई सर्विस रिच सर्विस के बारे में नहीं बताता कि अवेलेबल है या अनअवेलेबल, सर्वर अगर डाउन हो जाए तो वो भी नहीं पता चलता, यस और नो। यही तो इशू था मेरा पहला, DNS सर्वर डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू नो सर्विस डिटेल्स, व्हेनेवर सर्वर सर्विस गोज डाउन DNS सर्वर सेंड रिक्वेस्ट ऑल सर्वर, भाई अगर सर्वर डाउन हो या सर्विस तो DNS सर्वर तो क्या करता है सभी सर्वर को क्या भेज देता है रिक्वेस्ट भेज देता है। तो अब यहाँ पे देखो F5 डिवाइस वो रिजोल्व करेगा, क्या करेगा रिजोल्व। अब F5 डिवाइस क्या करता है इस इशू को रिजोल्व करते चलेगा साथ साथ। तो इशू नंबर कौन सा ये पहला, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो F5 डिवाइस पे क्या बोल रहा हूं मैं, FI डिवाइस पे एक क्या चल रहा होता है कॉन्सेप्ट मॉनिटर, क्या चल रहे होते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या करते हैं, हम मैं मॉनिटर लगा सकता हूं, मैंने क्या बोला मुझे अपने लेंस साइड में दो मॉनिटर यूज करना है, एक यूज करना है HTTPS का, कौन सा यूज करना है HTTPS का, और एक मॉनिटर यूज करना है ICMP का, कौन सा यूज करना है ICMP, किसके लिए सर्वर के लिए, क्लियर है। HTTPS का मॉनिटर का मतलब भाई मैं क्या चेक करूंगा इससे रीचेबिलिटी चेक करने के लिए ICMP है मेरा, और अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए सर्विस की, अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए सर्विस की कौन सी कौन सा मॉनिटर है मेरे पास HTTPS। तो ये जो मॉनिटर होते हैं ना कुछ सेकंड्स में अपने प्रॉब मैसेज भेजते हैं लेंथ साइड में। अब जब ये प्रॉब मैसेज जाता है तो सर्वर FI डिवाइस क्या बोलता है भाई सोर्स में कौन है 20.1 और डेस्टिनेशन में कौन है, कभी सर्वर 1 होगा कभी सर्वर 2 होगा कभी सर्वर 3 होगा, और ये मैसेज कौन कौन से भेजेगा HTTPS और ICMP। अब इन सर्वर्स को क्या करना पड़ेगा, इन सर्वर्स को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बैठ के जिस सर्वर को ये रिक्वेस्ट मिलेगी उसको क्या करना है इन सबको रिप्लाई। अब दो सर्वर ने क्या भेज दिया आपको रिप्लाई, तीसरे सर्वर ने रिप्लाई भेजा है लेकिन किसका भेजा है ICMP, किसका भेजा है ICMP। तो FI डिवाइस स्मार्टली अपने पास एक टेबल मेंटेन करता है, उसमें टेबल में क्या बोलता है सर्विस डिटेल, क्लियर है, क्या बताता है सर्विस डिटेल, और यहां पे क्या बताता है आप यहां पे लिख सकते हो रीचेबिलिटी, क्या लिख सकते हो यहां पे अंकित जी रीचेबिलिटी। सर्वर वन पे अगर कौन सा कलर आ रहा है ग्रीन कलर, क्या आ रहा है ग्रीन कलर, तो वो क्या है अवेलेबल है सर्विस के लिए। सर्वर वन रीचेबिलिटी पे भी क्या दिखा रहा है आपको ग्रीन कलर, तो ये क्या है अवेलेबल है। सर्वर टू ये भी क्या है ग्रीन कलर, ये भी क्या है सर्विस के लिए अवेलेबल है। सर्वर टू ये भी क्या दिखा रहा है ग्रीन कलर, यानी रीचेबिलिटी अवेलेबल है।
सर्वर थ्री। अब सर्वर थ्री पे आपके पास एक क्या आएगा मैसेज, कैसे कलर से आएगा, सपोज कर लो रेड, तो क्या सर्विस अवेलेबल है डियर, बताएं आप लोग सर्विस अवेलेबल है नहीं, नहीं? क्योंकि सर्वर थ्री ने रिप्लाई ही किसका करा था, सिर्फ आईसीएमपी का, किसका करा था आईसीएमपी का, तो सर्विस पे कैसा मार्क दिखा दिया उसने, रेड मार्क। और दूसरा देखो, जब सर्वर थ्री की रीचेबिलिटी की बात हुई तो उस पर कैसा मार्क दिखा रहा है वो आपका, ग्रीन कलर। इतना क्लियर है? ये कौन सी टेबल बताई, सर्विस की, सर्विस अवेलेबल है या नहीं, या रीचेबिलिटी एक्सेसिबल है या नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस क्लाइंट ने मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी, क्लियर है भाई, अलग अलग ब्राउजर से इसके बहुत सारे भाई बैठे हुए, सबने रिक्वेस्ट भेजी। ये सारी रिक्वेस्ट मेरे FI डिवाइस पे आई, FI डिवाइस के कहां पर आती है, एक्सटर्नल पे। लेकिन एक्सटर्नल के लिए वो किस पे हिट करता है सबसे पहले, किस पे हिट आया, पब्लिक आईपी पे। जैसे ही पब्लिक आईपी पे हिट आता है, FI डिवाइस का पहला प्रोसेस होता है टू चेक हाउ मेनी सर्वर अवेलेबल विद सर्विस। क्या चेक करता है सबसे पहले, हाउ मेनी सर्वर अवेलेबल विद सर्विसेस। कौन बता सकता है कि कितने सर्वर अवेलेबल है सर्विस के साथ, सर्वर वन सर्वर टू। अब FI डिवाइस स्मार्टली सभी रिक्वेस्ट को जब इंटरनली भेजता है ना, तो सिर्फ दो ही सर्वर को देता है, सर्वर थ्री के पास नहीं भेजता है, क्योंकि सर्विस के अंदर उसको क्या कर रखा है उन्होंने, रेड मार्क। क्लियर है भाई, यानी वो क्या हो रखा है सर्विस के लिए, अनअवेलेबल। क्लियर रहेगा इतना प्रोसेस, यही तो इशू था ना आपका DNS सर्वर के साथ, कि भाई DNS सर्वर के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म था ही नहीं जिससे आपकी सर्विस प्लस रीचेबिलिटी का पता कर पाओ। तो FI डिवाइस ने रिजोल्व कर दिया, क्या भेज के आपके मॉनिटर्स, मॉनिटर का मतलब समझ लो एक प्रॉब मैसेज भेजता है कि आप जिंदा हो या नहीं, कीप अलाइव मैसेज की तरह, किसकी तरह, कीप अलाइव मैसेज की तरह। पहला इशू रिजोल्व हुआ या नहीं आप लोग बताएं मुझे, तभी मैं सेकंड इशू को रिजोल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर है इतना, कोई डाउट है तो आप पूछ। क्लियर है? अब दूसरा इशू क्या आया था मेरे पास, जब मेरे पास ये सर्वर सर्विस वाले के बाद मेरे पास दूसरा इशू आया था कि भाई IPv6 से क्या नहीं कन्वर्ट कर सकता IPv4। ठीक है, चलो देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखो मेरे पास F5 के डिवाइस के पास जो FI डिवाइस है, FI डिवाइस पे जब भी आप पब्लिक IP को मैप करते हो किसके साथ, सर्विस के साथ, तो यहां पर आपको बतानी पड़ती है क्या, क्या बतानी पड़ती है, प्रोफाइल। क्या बतानी पड़ती है, प्रोफाइल। अब जब भी आप प्रोफाइल बताते हो तो ये बोलते हो कि कौन सी सर्विस के लिए, इनक्रिप्ट आएगा, डिक्रिप्ट, HTTP है तो प्लेन टेक्स्ट में जाने दो, HTTPS है तो इनक्रिप्ट भेजो, लेकिन 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 अब मैं अपने जब पब्लिक IP को मैप करके एक सर्वर में मैप करूंगा, किसमें, VS। VS का मतलब होता है वर्चुअल सर्वर, क्या बोलते हैं इसको विकास जी, अहमद, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल सर्वर। अब वर्चुअल सर्वर के अंदर मेरे पास ऑप्शन होता है कि भाई सोर्स कैसे आएगा और डेस्टिनेशन क्या होगा, तो मैं अपने वर्चुअल सर्वर के अंदर बता सकता हूं कि मेरा सोर्स किसके साथ आ सकता है, IPv6 के साथ, और मेरा डेस्टिनेशन किसके साथ बैठा हुआ है, IPv4 के साथ। जैसी ही IPv6 की रिक्वेस्ट किस पे रिसीव होगी, F5 डिवाइस पे, तो मैं FI डिवाइस को बोलूंगा इसको कन्वर्ट करके भेजना किसके अंदर, IPv4 के अंदर। लेकिन मुझे किसमें बताना पड़ेगा पहले उसको, वर्चुअल सर्वर के अंदर, किसके अंदर बताना है, वर्चुअल सर्वर के अंदर। ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्लियर है इतना, बताया आप लोग। तो ये FI डिवाइस ही क्या कर सकता है, सिर्फ IPv6 क्वेरीज को या रिक्वेस्ट को किसमें कन्वर्ट कराएगा आपके, IPv4 में। तो मैं यहां लिख देता हूँ एक और, FI डिवाइस कन्वर्ट IPv6 टू IPv4। लेकिन वहां पे डिफाइन करना पड़ता है आपको, हर बार याद रखना ये बात, क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म चल रहा है यहाँ पे। अब तीसरा इशू जो आया था मेरे पास, तीसरा इशू आया था लोड बैलेंसिंग, यही था ना, लोड बैलेंसिंग। चलो
लोड बैलेंसिंग पढ़ाना है तो लोड बैलेंसिंग कोई बता सकता है लोड बैलेंसिंग क्या होता है बताओ मुझे, तब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। चलो आपने रियल प्रोडक्शन नेटवर्क में सुना होगा लोड बैलेंसिंग का नाम और आपने सुना होगा लोड शेयरिंग का नाम, सुने दो वर्ड लोड बैलेंसिंग और लोड शेयरिंग क्या डिफरेंस है कोई बता सकता है, बताया आप लोग। लोड बैलेंसिंग क्या होता है, जब आपके पास एक से ज्यादा पाथ होते हैं, ये सुनो। लोड शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कुछ ट्रैफिक एक पास से जाएगा कुछ ट्रैफिक दूसरे पास से जाएगा, क्लियर है। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा पाथ हो, और लोड शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जब डेटा आता है तो कुछ डेटा अलग पास से आता है कुछ डेटा दूसरे पास से, दोनों में डिफरेंस है याद रखना आप, ठीक है। तो F5 डिवाइस वाले भैया क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, कितने हैं, मेरे पास स्टैटिक भी है यानी मैनुअल बताओगे, और कौन सा है, डायनामिक भी है, क्लियर है। अब बाय डिफॉल्ट जो F5 डिवाइस होता है, अगर मल्टीपल कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली इसने, क्या कर ली, मल्टीपल कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो F5 डिवाइस जब भी ये ट्रैफिक किसको देता है, इंटरनल सर्वर्स को देने की बारी आती है, तो 1x1 सभी सर्वर्स को देता है, किसको देता है, 1x1। तो ये कौन सी लोड बैलेंसिंग यूज करता है, स्टैटिक में से एक लोड बैलेंसिंग होती है उसका नाम क्या होता है, राउंड रॉबिन। कौन सी होती है आपकी मैकेनिज्म, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का मतलब होता है सभी रिक्वेस्ट को कैसे डिवाइड करेगा, 1x1। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक प्रोसेस बताया था कि भाई सर्वर 2 पे 16GB रैम है, सर्वर 1 पे 8GB रैम है, सर्वर 3 पे कितनी रैम बताई थी, 4GB बताई थी। तो अब जब ये ऐसी कुछ हार्डवेयर आपके पास आए ना, तो आपको रियल टाइम में कौन सी लोड बैलेंसिंग रन करनी पड़ती है इसके लिए, डायनेमिक। कौन सी लोड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, डायनेमिक, क्लियर है इतना पॉइंट। तो सर्वर्स पे आपको अगर आपको लगाना है कि मेरे सर्वर्स के हार्डवेयर डिपेंडेंसी हो, कि मेरे हार्डवेयर जैसा होगा वैसे लोड बैलेंस हो, तो डायनेमिक यूज करना। लेकिन बाय डिफॉल्ट F5 डिवाइस यूज राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग। कौन सी लोड बैलेंसिंग यूज करता है, बताया आप लोग, राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग। और राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक कैसे करेगा, लैन में भेजते टाइम, कोई बता सकता है, पहले सर्वर 1 को मिलेगी एक रिक्वेस्ट, फिर सर्वर 2 को मिलेगी, सर्वर 3 को, 1x1। लेकिन प्रॉब्लम है ना भाई, रियल टाइम में ऐसा तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन सारे सर्वर 64GB के लेके रख दिए, नहीं, कई बार क्या हो सकता है कि सर्वर 1 पे सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो, 90%, सर्वर 2 पे यूटिलाइजेशन कितना हो, 60%, सर्वर 3 पे यूटिलाइजेशन कितना हो, 40%। तो अब इस केस में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वो किसको दे रहा था, स्टैटिक वाले केस में 1x1, यानी सर्वर 1 को भी 10 मिलेगी, सर्वर 2 को भी 10, सर्वर 3 को भी 10। क्या सर्वर 1 प्रोसेस कर सकता है 90% में, नहीं, तो यहाँ पे ड्रॉप आने लगेंगे। दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द इंजीनियर परफॉर्म अ विच वन लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म, डायनामिक। भाई आप F5 लगाओ और भूल जाओ, तो हमेशा याद रखना डायनेमिक लोड बैलेंसिंग पे काम करना है, किस पे काम करना है आपको, डायनेमिक। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सी लोड बैलेंसिंग लगा के भेजते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का मतलब ट्रैफिक तो डिवाइड होगा लेकिन कैसे होगा, 1x1। तो आपकी लोड बैलेंसिंग का मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका F5 डिवाइस। एक और इशू बताया था लोड बैलेंसिंग के बाद, कौन सा इशू था आपका बताया, Layer 7, कौन सा वाला, Layer 7 इंस्पेक्शन। चलो ठीक है, अब देखो 4th नंबर का इशू भी बता देता हूं। अब मेरे पास F5 डिवाइस पे कलर कौन सा, ये वाला। अब जो मेरा F5 डिवाइस है, F5 डिवाइस पे मैं क्या कर सकता हूँ, एप्लीकेशन भी बता सकता हूँ, क्योंकि F5 क्या कर सकता है कि जब भी लेयर 7 की रिक्वेस्ट आएगी, यानी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, तो ये लेयर 7 पे इंस्पेक्शन करेगा और वेरीफाई करेगा कि जो क्लाइंट है आउटसाइड, या इनसाइड भी बोल सकते हैं, आउटसाइड या इनसाइड कोई भी क्लाइंट हो, वो जब भी एक्सेस करने के लिए ट्राई करेगा इस वेबसाइट को, gentech.com वाली को, तो वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि भाई इस क्लाइंट ने कौन सी एप्लीकेशन क्या कर रखी है, यूज कर रखी है, क्लियर है यहाँ पे, बताए आप लोग। तो आप F5 डिवाइस पे जाके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करोगे, जहां पे अपने आप क्या बताओगे, लेयर 7 की इंस्पेक्शन, क्या बताओगे अंकित जी यहाँ पे, लेयर 7 की इंस्पेक्शन। अभी तक आपके जो DNS सर्वर था उसने सिर्फ लेयर 3 करी थी,
FI डिवाइस आपके लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7 और लेयर 2 पे भी काम कर सकता है। किस पे काम कर सकता है? लेयर 2 पे भी। दिखाऊंगा अभी। लेयर 7 का क्लियर है आपको? ये तो मैंने पहले ही एग्जांपल दिया था कि अगर ये क्रोम पे होगा तो अलाउड होगी, या अगर ये ट्रोर ब्राउजर से एक्सेस करेगा तो इसको क्या कर देना है भाई? सीधा डिसअलाउड। क्या कर देना है इसको? डिसअलाउड। क्लियर है विकास जी, अभिषेक जी? बताया आप लोग कुछ मैकेनिज्म। चलो एक और इशू आया था, कौन सा वाला इशू आया था? पब्लिक आईपी क्या रिक्वायर्ड है? मैक्सिमम। और हमें क्या करना पड़ता था? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो भाई देखो, एफआई डिवाइस पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस इश्यूज को, डीएनएस सर्वर ये काम नहीं कर सकता था। क्लियर है? अगर आपको लिखना है इस इशू को भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, डीएनएस सर्वर डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू रीराइट। क्या कर सके वो बताएं आप लोग? रीराइट। फॉर एग्जांपल .com को किस में कन्वर्ट कर दे वो? .org में। क्लियर है? किस में कन्वर्ट कर दे .com को? .org में। तो अब आपके पास एक बंदा आता है FI डिवाइस। FI डिवाइस क्या बोलता है? FI डिवाइस हैव फीचर टू परफॉर्म रीराइट फीचर। कौन सा फीचर यूज कर सकते हो यहाँ पे अभिषेक जी आप लोग? रीराइट फीचर। रीराइट का मतलब जब भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी .com पे और आप जब भी लैन साइड में भेजोगे तो किसमें कन्वर्ट कर दोगे उसको? .org में। क्लियर है? एक और इशू रिजोल्व कर सकते हो 6 नंबर का, इसके लिए मुझे लिखना ही पड़ता है हर बार। तो ये क्या कर सकता है? FI डिवाइस परफॉर्म नेट ट्रांसलेशन। क्या परफॉर्म कर सकता है ये आपकी? नेट ट्रांसलेशन। लेकिन नेट कौन सा कर सकता है? नेट कौन कौन से होते हैं? देखो 3 नेट आप पढ़ते हुए आए हो हर बार। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक, और एक होता है आपका पैट, जिसको क्या बोलते हो आप? ओवरलोड फीचर। ये सुनो, सारे प्राइवेट आईपी एक ही पे। अब चौथ 4th नंबर का जो नेट होता है इसको क्या बोलते हो? एस नेट। और फिर क्या बोलते हो? डी नेट। क्या बोलते हो इसको? एस नेट और डी नेट। इसका मैं डेटा फ्लो दिखा दूंगा आपको। देखो इसका डेटा फ्लो दिखाना पड़ेगा मुझे, नेट का कैसे दिखेंगे। देखो एक क्लाइंट बना लो आउटसाइड, क्लाइंट के आईपी लिख दो 1.1.1.1, ठीक है? और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? आईएसपी। आईएसपी को किससे कनेक्ट कर दो? यहाँ पे आप लगा दो एक FI डिवाइस, ठीक है? और FI डिवाइस किससे कनेक्ट होगा अंकित जी? स्विच सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। अभी कोई लिखना मत, ये स्लाइड में दे दूंगा, आप आराम से लिख सकते हो घर पे बैठ के, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है भाई? कहीं आप लिखने लगे क्लास में। तो ये कौन सा इंटरफेस है आपका? इंटरनल। ये कौन सा इंटरफेस है? एक्सटर्नल। और एक और इंटरफेस था, ये कौन सा है? मैनेजमेंट। याद रखना आपको, तीनों क्या होते हैं? अलग अलग नेटवर्क में होते हैं, कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। 192.168.20.0/24। तो भाई 20.1, 20.10, 20.20, 20.30। क्लियर हो गया इतना? चलो एक्सटर्नल में मैंने कौन सा ले रखा था? बताया था 12.0.0/value is 30। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, 2 आईपी की रिक्वायरमेंट थी। चलो अब मैंने क्या बोला भाई, हमने एक पब्लिक आईपी परचेस करी थी 11.11. ये वाली लास्ट में। अब मैंने कौन सी पब्लिक आईपी यूज कर रहा हूँ? 12.0.0.10। और इस पे कौन सी सर्विस अलाउ कर रहा हूँ? 443 की। और कौन सी वेबसाइट मैप करके? gentech.com की। कौन सी वेबसाइट मैप करके? gentech.com की। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है आप लोगों को, FI जब आप प्रोडक्शन नेटवर्क में लगाते हो तो FI पे आप नेट नहीं कन्फिगर करते। क्यों? आपको डेटा फ्लो पता होना चाहिए। जब भी ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो ISP पे आएगी। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है तो सोर्स आईपी क्या होगी बता सकता है कोई? लेयर 3 पे 1.1.1.1। और डेस्टिनेशन क्या होगी? डेस्टिनेशन
12.0.0.10 आपने डायरेक्ट पब्लिक आईपी हिट करा, आईएसपी ने उठा के आपको F5 पे तक दिया। F5 ने देखा मेरी पब्लिक आईपी तो यही है भाई, इस पब्लिक आईपी पे क्या कौन सी सर्विस है, 443 की है। चलो कहां भेज रहा हूं मैं इसको, कौन से लैन में भेज रहा हूं, इंटरनल। अब जब इंटरनल में भेजता हूं तो F5 डिवाइस बाय डिफॉल्ट क्या परफॉर्म करता है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? बताएं। हेलो सर, अब आ रही है? आ रही है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। एक सेकंड रुकिए, एक बार रिकॉर्ड। अब क्लियर है आप लोगों को? बताएं अंकित जी, अभिषेक जी, रहमान, विकास जी, क्लियर है? चलो yes. जब F5 डिवाइस रिक्वेस्ट लेता है, इंटरनल देता है, तो वो क्या परफॉर्म करता है आपका? डीनेट। क्या परफॉर्म करता है? डीनेट। अब डीनेट क्या है? डीनेट कॉल्ड डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब जब ये पैकेट अंदर जाता है तो इस पे लेयर 3 चेंज हो जाता है। सोर्स आईपी क्या रहती है? 1.1.1.1। डेस्टिनेशन क्या कर देता है? 20.10। ये अब जो ये सर्वर दिया है ना, ये रैंडमली सिलेक्ट होता है। किस पे डिपेंड होता है? लोड बैलेंसिंग पे। किस पे डिपेंड होता है भाई? लोड बैलेंसिंग पे। अब जब इस सर्वर को मिलेगा तो ये सर्वर रिप्लाई करेगा, F5 को भेजेगा, F5 दोबारा इधर आ जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ पे लैंड। लेकिन 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 अभी की केस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो मेरा सोर्स है वो डायरेक्ट किसको पता चल रहा है? मेरे सर्वर्स को। किसको पता चल रहा है? सर्वर्स को। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि अपने F5 डिवाइस पे बैठ के एक और ट्रांसलेशन परफॉर्म करूं। कौन सी वाली करूं ट्रांसलेशन? सोर्स नेट। क्लियर है? तो सोर्स नेट में क्या करूंगा? अब मैं तीन है मेरे पास, देखो तीन होती है, या तो मैं स्टैटिक बता दूं या डायनेमिक बता दूं। क्लियर है? अब स्टैटिक भी हो सकती है, डायनेमिक। अब मैंने क्या बोला, एक मेरी साइट थी यहां पर, ये कौन सी साइट थी मेरी? दिल्ली साइट। कौन सी साइट थी? दिल्ली। अब जब भी दिल्ली के यूजर आए किसी भी पब्लिक आईपी से, वो जब F5 डिवाइस उनको इंटरनल लेके जाए ना भाई, क्या लेके जाए? इंटरनल। तो उनकी आईपी हो 11.11.11.11। क्या हो उनकी आईपी? दिल्ली वाले यूजर्स की क्या हो? 11.11.11। तो F5 डिवाइस के पास एक रिक्वेस्ट आई दिल्ली वाले यूजर से, तो दिल्ली वाले यूजर ने बोला भाई मेरी आईपी है 10.10.10.10। क्या आईपी है? सोर्स वाली 10.10.10। और डेस्टिनेशन क्या है? 12.0.0.10। ये कौन सी इन्फॉर्मेशन थी? लेयर 3। F5 ने रिसीव करा, F5 ने देखा 12 पे आई है, ठीक है, 443 पे है, ठीक है। लेकिन 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 ये सोर्स आईपी किसकी है? दिल्ली की। ये किसकी है? सोर्स कौन है भैया? दिल्ली से। जब मैं इसके ट्रैफिक को अपने इंटरनल भेजूं तो फिर दोबारा से चेंज करूंगा। सोर्स आईपी क्या रखूंगा अब? 11.11.11.11। और डेस्टिनेशन क्या कर दूंगा? 20.10। क्या कर दूंगा? 20.10। और जब दोबारा से सर्वर को रिक्वेस्ट मिलेगी तो उसमें सोर्स आईपी क्या होगा? 11.11.11। क्या एक्चुअल सोर्स आईपी जा रही है आपकी इंटरनल? बताएं आप लोग, एक्चुअल जा रही है? नहीं, एक्चुअल नहीं जा रही है। अब ये कैसी है आपकी? ट्रांसलेटेड आईपी है। कैसी है? ट्रांसलेटेड आईपी। एक्चुअली ये जो है ना, जो मैंने टास्क करके दिखाया, रियल टाइम में कुछ ऐसी होता है, लेकिन 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 रियल टाइम में जो F5 डिप्लॉय होता है ना, वो कुछ इस टाइप से होता है। अब बहुत सारे बता पाते हैं या नहीं बता पाते, रियल टाइम का डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको। लेकिन ISP से क्या कनेक्ट करते हो आप? अपना राउटर। राउटर से क्या कनेक्ट कर देते हो आप? अपना फायरवॉल। फायरवॉल से क्या कनेक्ट करते हो आप? अपना स्विच। और स्विच पे क्या लगा रखा होता है आपने? F5। और इस स्विच से ही क्या कनेक्टेड होते हैं आपके अभिषेक जी, अंकित जी, रहमान जी, विकास जी? सर्वर्स। अब किसी ने पूछा, सर आप तो बता रहे थे डायरेक्ट F5 के साथ, मेरी कंपनी में ये वाला मैप है, अब मैं कैसे करूं बताओ सर? देखो भाई बात सुनो, जब ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी ISP पे जाएगी, ISP राउटर को देगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब राउटर पे एक स्पेसिफिक रूट होगा, इस पब्लिक आईपी को किसके साथ मैप कर रखा होगा आपने? फायरवॉल की तरफ होगा। अब फायरवॉल किसको हैंडओवर करेगा ये सारे ट्रैफिक? F5 को।
FI डिवाइस वही सारा प्रोसेस करेगा, लोड बैलेंसिंग चेक करेगा, कितने सर्वर अवेलेबल है, कौन कौन सी सर्विस है, और किसको दे देगा रिक्वेस्ट, सर्वर वन, सर्वर टू और सर्वर थ्री को, वन बाय वन। क्लियर है? अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या आती है, जब सर्वर रिप्लाई करेगा तो सर्वर के पास गेटवे आईपी होनी चाहिए, ये सुन लो, क्या होनी चाहिए, गेटवे आईपी। अब गेटवे आईपी सपोज करो लो आपने फायरवॉल की दे रखी है, तो आया तो था जब किस पे गया था, F5 पे, और जब रिप्लाई करा तो कहां से निकल के चला गया भाई, कोई दिख रहा है, बताएं आप लोग, जब आया था तो कहां से आया था, F5, और जब जा रहा है तो कहां से निकल के जा रहा है, डायरेक्ट फायरवॉल। अब इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक राउटिंग कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक राउटिंग। क्लियर है भाई? एसिमेट्रिक राउटिंग का मतलब होता है कि आप आए तो किसी और पास से थे और जा किसी और पास से रहे, दैट इज द रीजन। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, FI डिवाइस पे बैठना पड़ेगा। FI डिवाइस पे एक नेट का फीचर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, उसको बोलते हैं एस नेट ऑटो मैप। क्या बोलते हैं इसको, एस नेट ऑटो मैप। देखो भाई एग्जांपल के लिए बना देता हूं मैं आप लोगों को, कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो बोलोगे सर पूरी क्लास में समझ में आया ये वाला टास्क नहीं बन पाया, यही मुझे सीखना था, मेरी कंपनी में तो यही चल रहा है। चलो देखो, जब ये क्लाइंट भेजेगा तो 1.1.1.1 ये किसकी आईपी होगी, सोर्स। डेस्टिनेशन क्या होगी, चलो डेस्टिनेशन मान लो वही है 12.0.10। क्लियर है? ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, लेयर 3 राउटर पाई। राउटर ने किसको दिया, फायरवॉल। फायरवॉल ने किसको दे दिया, F5। अब जब F5 पे रिक्वेस्ट आई तो F5 ने चेंज करा, सोर्स आईपी क्या रखी, 1.1.1.1। डेस्टिनेशन क्या कर दी, 20.10। ये वाली क्लियर थे ना, डेटा ट्रैफिक का फ्लो सर्वर को मिला, सर्वर के पास गेटवे आईपी क्या है, फायरवॉल। तो सारी रिक्वेस्ट जो रिप्लाई में जाएगी अब वो किसके थ्रू जा रही है, फायरवॉल। अब कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो कि जब ये ट्रैफिक के लिए रिप्लाई करे ना, क्या करे, रिक्वेस्ट के लिए रिप्लाई, तो सारा ट्रैफिक किस पे आए, F5 पे। कोई बता सकता है ऐसा क्या करना चाहिए, अगर मैं सोर्स आईपी में F5 भेज दूं तो रिप्लाई किसको करना पड़ेगा, सर्वर को, डायरेक्ट F5 को, ये सुनो। तो अब जब भी आपका F5 डिवाइस डेटा ट्रैफिक सर्वर्स को देगा तो वो सोर्स आईपी किसके लगाएगा, 20.1, और डेस्टिनेशन क्या लगा रहा है, 20.20। अब ये जब रिक्वेस्ट इसको मिलेगी सर्वर टू को, तो इसको किसको रिप्लाई करना है अपने, F5 को। और अब F5 पे बैठ के मैं कह दूंगा एक स्टैटिक रूट टूवर्ड्स किसके थ्रू, फायरवॉल। क्लियर है? इतना बताया आप लोग, जो ये मैंने चेंज करी ना सोर्स आईपी, ये होता है एसनेट ऑटो मैप। कौन सा फीचर होता है अंकित जी, अभिषेक जी, एसनेट ऑटो मैप, यानी F5 डिवाइस अपने इंटरनल इंटरफेस का क्या देता है, आईपी देता है, क्या देता है, इंटरनल इंटरफेस का आईपी। और अब मुझे F5 से सारा ट्रैफिक किसको देना है, फायरवॉल को, तो मुझे वहां पे कौन सा रूट डालना पड़ेगा, एक क्या डालना पड़ेगा, स्टैटिक रूट। क्या डालना पड़ेगा भाई, स्टैटिक रूट। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट, बताए आप लोग, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं F5 से रिलेटेड, कोई इशू नहीं है कि सर मैं ऐसे डिप्लॉय कर सकता हूं। देखो F5 डिवाइस लेन में है, क्लियर है, दिख रहा है ना आपको। चलो अब एक और डायग्राम होता है नेटवर्क में, एक और डायग्राम पे काम कर सकते हो आप, डिप्लॉयमेंट भी जरूरी है ना, आपको पता रहना चाहिए कि F5 कैसे डिप्लॉय करना है आपको। क्लाइंट ISP, क्लियर है भाई, ये वाला डायग्राम दिख रहा है। अब इसमें F5 डिवाइस कैसे कनेक्टेड है बताना आप लोग, इंटरनेट सर्विस डायरेक्ट एक्सेस ले रहा है, ये सुनो, इंटरनेट सर्विस क्या ले रहा है, डायरेक्ट एक्सेस ले रहा है। चलो अब मैंने इसमें क्यों ऐसा बनाया डायग्राम, इसमें ऐसा डायग्राम क्यों है, क्योंकि इसी स्विच से मेरे कुछ क्या कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है मेरे, यूजर्स। अब मैं F5 डिवाइस को डायरेक्ट राउटर के साथ भी ज्वाइन कर सकता, लेकिन बताना क्या था दोबारा से, जब भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी, क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी ISP राउटर, अब राउटर पे आएगी तो इसको मिलेगी, फिर इसको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब क्लाइंट वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो यहां पर आएगी,
F5 स्विच को देगा, फिर सर्वर्स, मल्टीपल सर्वर्स। अब इन सर्वर को इंटरनेट सर्विसेज भी यूज करनी है। क्या यूज करनी है? इंटरनेट सर्विसेज। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इनके पास गेटवे आईपी किसका दूं? राउटर का। क्या दूं? राउटर का। लेकिन 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 वो सिर्फ स्पेसिफिक किसके लिए हो आपकी? हेलो हेलो, यस यस सर, ये स्टार्टिंग जो बता देंगे, वॉइस नहीं आ रही थी एक्चुअली। ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए देखिए, जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सिर्फ आपके यूजर्स से बात करने के लिए, तो आईएसपी से राउटर, राउटर से स्विच, और स्विच से किसको मिल जाएगी? यूजर को। लेकिन 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 अब जब ये क्लाइंट आपके सर्विस के लिए भेजेगा रिक्वेस्ट, तो आईएसपी किसको देगा? F5। F5 किसको देगा? सर्वर्स को देगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सर्वर रिप्लाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, F5 से ही ट्रैफिक जाएगा, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बताया था कौन सा फीचर चला दोगे आप जाके वहां पे, एसनेट ऑटोमैप। कौन सा फीचर चलेगा अंकित जी, विकास जी, रहमत? एसनेट ऑटोमैप। तो यहाँ से सोर्स आईपी जाएगी, तो ये सर्वर को देना ही किसको पड़ेगा? रिप्लाई F5 को। लेकिन 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 अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई स्पेसिफिक इंटरनेट सर्विसेज यूज करनी है आपको, स्पेसिफिक इंटरनेट सर्विस यूज करनी है आईएसपी की। सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, मुझे विंडोज अपडेट करनी है। क्या अपडेट करनी है? विंडोज। तो मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी इंटरनेट सर्विसेज कहाँ से यूज करूँ मैं? राउटर से। कहां से यूज करूं? राउटर से। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि सर्वर के पास गेटवे किसका हो? सर्वर के पास गेटवे किसका हो? राउटर का। और लेकिन जब बाहर से बंदा है तो उसकी सारी रिक्वेस्ट के लिए रिप्लाई किसको करेगा? सर्वर F5 को। ऐसा भी टास्क अचीव कर सकते हो। तो यहां पर क्या होता है, F5 डिवाइस पे आप पढ़ के आएंगे, F5 डिवाइस को आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो? 1 आर्म डिप्लॉयमेंट भी होती है इसकी, ठीक है, और 2 आर्म डिप्लॉयमेंट भी होती है। कौन कौन सी होती है? 1 आर्म डिप्लॉयमेंट, 2 आर्म डिप्लॉयमेंट। ये बात करेंगे कैसे डिवाइस को हमें डिप्लॉय करना है। लेकिन बेसिकली जो हम टास्क बनाएंगे वो कैसा टास्क होगा, अभी के लिए बता देता हूँ टास्क क्या होगा आपका। हमारा एक क्लाइंट होगा आउटसाइड, आईएसपी होगा, फिर क्या लगा दूंगा मैं, F5 डिवाइस। F5 डिवाइस को किससे कनेक्ट कर दूंगा? स्विच। और स्विच से क्या कनेक्टेड होंगे आपके? सर्वर। सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। तीन इंटरफेस क्लियर करे थे ना मैंने, कौन कौन से? ये कौन सा है? एक्सटर्नल। ये कौन सा है आपका? इंटरनल। और ये कौन सा है? मैनेजमेंट। ठीक है, फेल ओवर भी बताया था, फेल ओवर कब लगता है वो भी बताऊंगा। लेकिन मैंने जब ओवरव्यू दिया था, जब आपको बेसिक ओवरव्यू दिया था F5 का, तभी बताया था कि मैंने आईपी सर्विसेज पढ़ा है सीसीएनए में, कि किस लिए यूज होता था? गेटवे रेडंडेंसी अचीव करने के लिए। किसके लिए होता था बताया? गेटवे रेडंडेंसी अचीव करने के लिए। तो गेटवे रेडंडेंसी को अचीव करने के लिए आप ये वाले सारे प्रोसेस को यूज कर सकते हो। क्लियर है? बताए। चलो चलो ठीक है ठीक है। एक छोटा सा टास्क बता देता हूँ, मेरे को पढ़ाना जरूरी है आप लोगों को। जैसे आप रियल प्रोडक्शन नेटवर्क में जाते हो तो आप एक सर्विस यूज करते हो, कौन सी? DNS। कौन सी सर्विस यूज करते हो आप लोग? DNS सर्विसेज। DNS का मतलब होता है, ऐसे बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन नेम सिस्टम। एक्चुअली DNS क्या करता है? रिजॉल्व करता है IP टू नेम को, और किसको रिजॉल्व करता है? ये नेम टू आई। ये तो आपने पढ़ के आए, कोई इशू नहीं, अब नई चीज हम पढ़ेंगे ना। चलो, यूज कौन सा प्रोटोकॉल करता है? UDP या TCP? बताएं आप लोग। UDP। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। ये लो देखो, UDP का पोर्ट नंबर भी होता है भाई। पोर्ट नंबर का मतलब इसका रोल नंबर क्या है प्रोटोकॉल के वर्ल्ड में? 53। चलो, अब किसी ने पूछा कि भाई हमने तो पढ़ा था DNS में मैसेजेस भी होते हैं, तो 2 मैसेज नहीं होते, 3 होते हैं। कौन सा? DNS क्वेरी, DNS रिप्लाई, तीसरा भी होता है DNS क्वेरी नॉट रिजॉल्व। कितने मैसेज होते हैं? 3।
अब जो ये क्वेरी नॉट रिजर्व वाला मैसेज है, ये जब आता है, जब आपके पास एक मैसेज आता है दिस साइड कांट बी रीच, कौन सा मैसेज आता है, दिस साइड कांट बी रीच, तब आता है ये, क्लियर है। अब देखो कई बार क्या पूछा जाता है, जैसे आप F5 के बेसिस पे आके इंटरव्यू दोगे तो उनका क्वेश्चन होता है हाउ टू वेरीफाई IPv4 IPv6 DNS query, कोई बता सकता है इसका आंसर? मैं तो बता ही दूंगा, कोई क्वेश्चन कोई लॉजिक बताएं आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, जैसे आप प्रोडक्शन नेटवर्क में भी हो तो पूछेंगे कि कैसे करोगे भाई क्वेरी को, पता कैसे करोगे कि वो IPv4 है या IPv6, बताएं आप लोग। अंकित NS lookup से कर रहे हैं। NS lookup, अच्छा और बताएं, और कोई यूजर आराम से बताएं, कोई टेंशन नहीं है, पैसे नहीं लगेंगे, बस बर्गर पार्टी कर सकते हम लोग, बताओ और कोई दिक्कत। चलो देखो बेसिकली आपके पास जो आईपी एड्रेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, IPv4 और दूसरे कौन से होते हैं IPv6, ठीक है। अब सपोज करो ये क्लाइंट है, क्या है यहाँ पे विकास जी, क्लाइंट है। जब ये क्लाइंट IPv4 यूज करता है एड्रेस, कौन से यूज करता है IPv4, और कौन सा मैसेज भेजता है DNS क्वेरी, तो ये कौन सी क्वेरी बोली जाएगी IPv4। इस क्वेरी के अंदर, DNS क्वेरी के अंदर इनसाइड एक फील्ड होती है, कौन सी वाली, टाइप फील्ड, कौन सी होती है टाइप फील्ड, उसमें लगाता है सिंगल ए, क्या लगाता है भाई सिंगल ए, सिंगल ए का मतलब होता है ये कौन सी क्वेरी भेज रहा है IPv4। अगर इसने गलती से IPv6 यूज करा और इसने कौन सा मैसेज भेजा है यहाँ पे अंकित जी, DNS क्वेरी, तो दोबारा से इसके इनसाइड टाइप फील्ड में अब लग के जाते हैं 4 times A, कितने ए लगते हैं भाई बताएं आप लोग, 4 times A, और ये कौन सी क्वेरी कहलाती है आपकी IPv6। दैट इज द रीजन DNS सर्वर ड्रॉप द डेटा रिक्वेस्ट, यही रीजन था, आपको देख रहा है, मैं दिखा भी देता हूँ वायरशार्क पे, क्लियर है ना, इतना क्वेरी मैसेज में दिखाऊंगा, क्वेश्चन होता है और आंसर मांगता है कि मुझे वेबसाइट की आईपी दे दो भाई, क्या दे दो, वेबसाइट की आईपी दे दो। तो एक वायरशार्क टूल होता है, जो अभी प्रोडक्शन नेटवर्क में होंगे उनको पता है कि मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, मॉनिटरिंग, पैकेट कैप्चरिंग, फिल्टरिंग, सब कर सकते हो। तो वाईफाई अडेप्टर को एक्सेस कर लो, मैं बहुत सारे पैकेट भेज रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिखाना कौन सा आपको, सिर्फ DNS दिखाना, कौन सा आपको DNS। तो अभी मेरे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है, दिखा देता हूँ, स्टॉप कर देते हैं। देखो एक क्वेरी भेजी आपने, कौन सा मैसेज भेजा आपने, DNS क्वेरी, डोमेन नेम सिस्टम की एक क्वेरी भेजी है, सोर्स पोर्ट क्या है रेंडम, और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है बताए आप लोग, 53, दिख रहा है ना, इसके अंदर आ जाओ, आपका क्वेरी में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, ये दिख रहा है MSF, ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस के लिए मांग रहा है, लेकिन टाइप फील्ड में कितने ए लगा रखे हैं, टाइप फील्ड में कितने हैं, 4 times A, यानी कौन सी क्वेरी भेज रहा है IPv6। अब ऐसा भी होगा IPv4 की क्वेरी भी होगी, दिखा भी दूंगा मैं, ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, चलो 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 स्टॉप कर दो बस, ये लो ये स्टैंडर्ड क्वेरी भेज रहे हो भाई, google.com कौन है उनके बारे में पूछ लो, दिख रहा है ना google.com, और टाइप फील्ड में कितने ए जा रहे हैं, सिंगल ए, सिंगल ए, दैट मींस IPv4 और IPv6, IPv4 याद रखना है आप लोगों को। और इसने क्वेश्चन पूछा DNS.google कि गूगल की आईपी बता दे भैया, तो उसका क्या आना चाहिए था इसके पास, होस्ट का एड्रेस, और वो कौन सा एड्रेस मांग रहा है, ए का मतलब IPv4 का, गूगल देगा, टेंशन मत लो, ये क्वेरी है इसका रिस्पॉन्स आता है, क्या है भाई आंसर दे रखा है ना, चलो ये क्या दे रखा है 142 250 194 14, ये है क्या, ये दिखा देता हूँ, एक टैब ओपन कर लेते हैं, बहुत सारे टैब है आज तो, ये लो एक टैब ओपन करो और यही आईपी एंटर करूंगा और गूगल खुल जाएगा 142 250 194.14, ये लो
यही डाली थी हमने या कुछ और डाल दिया मैंने? यही है ना, दिखा देते दोबारा। 142.250 ये लो, खुल रहा है ना? यस और नो? तो google.com की क्वेरी भेजी थी कि गूगल का आईपी क्या है, लेकिन कौन सा आईपी मांग रहा था? IPv4। और मोबाइल डेटा जब यूज करके चल करते हो रिक्वेस्ट, क्या भेजता है वो? IPv6। तो टाइप फील्ड का बहुत याद रखना आप लोगों को, क्लियर है इतना पॉइंट? तो मैं अब आपको बता देता हूँ बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है, इतना क्लियर है ना? वाई वी यूज FI डिवाइस, DNS क्वेरी, क्लियर है आप लोगों को? बताए अंकित जी, अभिषेक जी? yes. प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, देखो थ्योरी में ऐसे ही पढ़ाता हूँ लिख के, और मैं सारा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, लिखा हुआ ही पढ़ाऊंगा। कोई मैं स्लाइड एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। नॉर्मली जैसे अपन DNS में जो बनाते हैं सर्वर, हाँ। तो उसमें ए रिकॉर्ड में तो मतलब मैंने तो अभी तक एक ही आईपी देखा, जैसे आपने तीन सर्वर लिए थे ना, हाँ। अगर हमारे तीन एप्लीकेशन सर्वर है तो हाँ। वो मतलब कैसे करेंगे अगर मतलब तीन सर्वर पे सेम एप्लीकेशन को हो जाता है? कैसे? हाँ हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर वाले करते हैं सारे, सर्वर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन मैंने आपको पॉसिबल जैसे आपके एक लैन एडेप्टर पे 50 आईपी दे सकते हो, 100 आईपी दे सकते हो, वैसे आप DNS सर्वर पे मैप कर सकते हो। तो ये आपका था आज का F5 डे 1 का सेशन। मैं आपको बता देता हूँ बुक कौन सी प्रेफर करनी है, ठीक है? मैं बुक दिखा देता हूँ आपको, डी ड्राइव कहाँ पे होते हैं बुक, सॉन्ग PDF, सिस्को में जाओ, F5 LTM, लोड बैलेंसर ये वाला है, ये बुक है, दिख रही है आपको? इस बुक को प्रेफर करना है, एज इट इज जो मैं पढ़ाऊंगा वो सेम इसमें ही मिलेगा, ठीक है? सारा का सारा इसमें आप कौन कौन से पढ़ सकते हो, LTM, GTM के भी इसमें ही है, ASM, WA भी पढ़ सकते हो, वेब एक्सेलरेशन, एंटरप्राइज मैनेजर भी पढ़ सकते हो, तो इसमें सारी डिटेल्स होती है सारी, यही बुक प्रेफर करता हूँ मैं, क्लियर है? तो ये बुक आप पढ़नी है आराम से, कोई इशू नहीं आएगा इसमें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, डेटा फ्लो समझा रहा हूँ, सब है। तो पहले हम कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या सीखेंगे, इंस्टॉलेशन, इनिशियलाइज, एक्सेस सीखेंगे, ठीक है? लैब सेटअप कैसे करना है, क्लियर है? कौन कौन से इंटरफेस होते हैं, डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, तो मैं आपको कुछ लैब सेटअप की फाइल भी फॉरवर्ड कर देता हूँ आपके गूगल ड्राइव पे, क्लियर है ना? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं मैं, बताइए आप लोग।